गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक दैट वाज आवर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या था? एनईपी गेव ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम हुई उसके पहले सेल्फ रिलायंस और पब्लिक सेक्टर को पूरा जिम्मेदारी दी गई थी, बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में समझ में आ गया कि जो पब्लिक सेक्टर है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक डेड वेट बन के रह गए हैं, तो इसलिए सारी जिम्मेदारी अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की तरफ देना स्टार्ट कर दिए। रीडिफाइंड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 डिसाइडेड टू रेफर द लॉस मेकिंग एंड सिक एंटरप्राइजेस टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन। 1991 में जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी उसमें जो पब्लिक सेक्टर था उसको एक डेडवेट बना के या फिर एक लॉस मेकिंग एंटरप्राइज बनाकर दिखाया गया, और उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को उसकी जिम्मेदारी दी गई कि अब पब्लिक सेक्टर से आप अच्छे से काम निकलवाइए। डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स शेयर बियॉन्ड 51% इन द पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट अब क्या करने लगी, बहुत से एंटरप्राइजेज में जिसमें 51% शेयर था गवर्नमेंट का, अब वहाँ से गवर्नमेंट अपने शेयर्स वापस लेने लगी, कम करने लगी। बहुत से ऐसे एंटरप्राइजेज थे, पब्लिक सेक्टर कोई कंपनी कब होगी जब उसमें 51% शेयर गवर्नमेंट का होगा, तो गवर्नमेंट क्या की, अब बहुत से ऐसे एंटरप्राइजेज से उन्होंने 51% शेयर लेना कम कर दिया। नेक्स्ट इज योर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमी एज ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब कि सारी इकोनॉमी को एक स्टेज पर लाना, एक ग्लोबल लेवल पर लाना, एक ही पैरामीटर पर लाना, उसे आप कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। टिल 1991 स्ट्रिक्ट रूल्स प्रिवेल्ड फॉर इम्पोर्ट्स लाइक लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट्स, टैरिफ रेस्ट्रिक्शन एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन अब वो चीज़ धीरे धीरे हटने लगी। ट्रेड लिबरलाइजेशन वेयर डायरेक्टेड टूवर्ड्स इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू रेशनलाइजेशन। क्या होने लगा कि लिबरलाइजेशन दे दी गई, इम्पोर्ट कराने पर लिबरल हो गई, ज़्यादा प्रोसीजर नहीं करने थे, और एक्सपोर्ट प्रमोशन किया गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन करने का एक रीज़न ये था कि एक्सपोर्ट प्रमोशन करने से फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। देन ज्योग्राफिकल गैप और पॉलिटिकल बाउंड्रीज रिमेन नो लॉन्गर बैरियर्स। जो ज्योग्राफिकल गैप था, पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी, अब वो बाउंड्री नहीं रह गई, अब पूरा ट्रेड जो है वो एक छत के नीचे आ गया था, कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री अब मैटर नहीं कर रही थी। जैसे US है, इंडिया है, ये अब अपनी बाउंड्रीज के अंदर नहीं, बाउंड्रीज के बाहर आराम से ट्रेड कर रहे थे। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब हमें ये टॉपिक देखना है, ग्लोबलाइजेशन करने का मतलब क्या रहा। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशंस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब कि जब ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस होता है तो एक दूसरे कंट्री से इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और इंटरडिपेंडेंस होने लगता है। मतलब कि हम इस चीज़ के लिए आपसे एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, आप हमसे कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर लेना। मतलब कि एक अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश होता है जब ग्लोबलाइजेशन होता है, जब कोई बैरियर नहीं रह जाता है वहाँ पर ट्रेड करने का। वरना पहले लाइसेंसिंग था कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, और बहुत लंबा एक प्रोसीजर था जो कि लिबरलाइजेशन में मैंने आपको पढ़ाया ही था। तो उन सब से बचने के लिए ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। फिजिकल ज्योग्राफिकल गैप और पॉलिटिकल बाउंड्रीज नो लॉन्गर रिमेन बैरियर्स फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज टू सर्व कस्टमर इन अ डिस्टेंट ज्योग्राफिकल मार्केट। अब जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज थी, जो कंट्री की बाउंड्री लाइंस थी, वो कहीं से भी बैरियर नहीं रह गई थी किसी भी कस्टमर को सर्व करने के लिए जो दूसरी कंट्री में रह रहा है। दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड लिबरल ट्रेड पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट। थ्रू द पॉलिसी ऑफ 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मूव द कंट्री टू दिस ग्लोबलाइजेशन पैटर्न।
तो 1991 में ये सारे रिफॉर्म्स किए गए थे. एलपीजी को लॉन्च किया गया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन ऑर्डर टू सस्टेन एंड ग्रो द इंडियन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड मैप.